हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे शेयर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैल्टन के बारे में। बेसिकली कैल्टन के ऊपर मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बना रखे हैं जिसके अंदर हमने बहुत सारे एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स को सीखा और जाना कि कंपनी कैसी है, कैसा परफॉर्म कर रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है। बट आज हम और कुछ और अदर एनालिसिस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि लेटेस्ट हैं और मे बी ये आने वाले 10-1 दिन में चेंज हो जाएं कुछ वैल्यूज़, बट अभी रिसेंटली आज के टाइम में बिल्कुल सही है। और एक बात और बताना चाहूँगा, वीडियो देखने से पहले आप डेट ज़रूर चेक कर लीजिए। तो वैसे जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 10 अप्रैल है, तो गाइज़ उसी हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी कैल्टन टैक सॉल्यूशन, जैसा कि आपको पता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी है और बेसिकली इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर कंपनी ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी ऐसे सेक्टर्स के ऊपर है जो कि बहुत ज़्यादा सही है, आने वाले टाइम का फ्यूचर हम कह सकते हैं। बट इस वीडियो में आज हम ऐसा एनालिसिस करेंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि बेसिकली आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम कंपनी के प्राइस की बात करेंगे, यानी कि कंपनी के जो शेयर है उसके प्राइस की बात करेंगे कि प्राइस में क्या मोमेंटम है। तो आप इधर देख सकते हैं प्राइस में, सबसे पहले हम 52 वीक हाई का देखेंगे। तो आप इधर देख सकते हैं 52 वीक हाई में जो 27.78% अबोव गया है, जो कि आप स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं। ऑलरेडी एनालिसिस करके मैंने पूरा लिखा हुआ है तो फिर आपको समझाने में काफ़ी आसानी रहती है। वहीं बात करते हैं 52 वीक लो की, तो आप इधर देख सकते हैं 148% 52 वीक के अबोव गया है। तो ये साइन हमें और सोचने पे मजबूर करते हैं कि अब बेसिकली क्या डिसीजन लेना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बुलिश मोमेंटम की, तो बुलिश मोमेंटम अबोव रहा है, शॉर्ट टर्म हो या मीडियम हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपके लिए एक ये पॉजिटिव साइन है और इस पॉजिटिव साइन से हम ये कह सकते हैं कि भाई प्राइस मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। वहीं आउटर परफॉर्म की बात करें तो भाई कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि निफ्टी 50 से कंपेयर किया जाए तो निफ्टी 50 सिर्फ एक महीने के अंदर 11% ही इंक्रीज़ हुई है, जो कि आप स्क्रीन पे साफ साफ देख ही सकते हैं। और वहीं जो कैल्टन है वो 14% तक इंक्रीज़ हुई है, जो कि आप स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि भाई ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा साइन है, एक बाइंग सिग्नल की तरफ इशारा करता है। तो ये हो गया प्राइस। अब बात करते हैं फाइनेंशियली कंपनी, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फाइनेंशियली कंडीशन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा देखते हैं वो है पाइट्रोसिक स्कोर। और जो पाइट्रोसिक स्कोर है वो हमें बताता है कि बेसिकली क्या करना चाहेंगे, और पाइट्रोसिक स्कोर आप देख सकते हैं गाइस 7 इधर निकल के आता है। और ऐसा बोला जाता है कि भाई ये जो पाइट्रोसिक स्कोर है ये 9 तक रहता है और इस कंपनी का 7 है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ है कंपनी का फाइनेंशियली भी। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और जो फाइनेंशियली कंडीशन मेरे को तो पर्सनली काफ़ी सही लग रही है, जिसके अंदर जैसे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और वहीं कंपनी का रेवेन्यू की थोड़े नेगेटिव दिखा रहे हैं, बाकी नेट प्रॉफिट कंपनी का पॉजिटिव इधर नज़र आता है। तो ये हो गए गाइस फाइनेंशियली कंडीशन। अब हम देखते हैं कंपनी के और अदर रिसोर्स, जिसके अंदर हम कंपनी की अदर इंडस्ट्रीज़ को हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि जो भी कंपनियां हैं जो इसके कंपटीशन में हैं या इसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनसे कंपेयर करेंगे, मार्केट से कंपेयर करेंगे अब इस कंपनी को। तो अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्री कंपेरिजन के अकॉर्डिंग, तो मार्केट कैप है जो कंपनी का वो ब्लो इंडस्ट्री मीडियंस के अकॉर्डिंग क्या रहा है, तो गाइस इसका जो जवाब है वो न्यूट्रल है, यानी कि बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है, तो हम इसको न्यूट्रल रखेंगे। वहीं बात करते हैं TTM P रेशो, वो ब्लो रहा है इंडस्ट्री के मीडियम, तो ये भी गाइस एक न्यूट्रल है, ब्लो भी नहीं हुआ, हाई भी नहीं हुआ, एक मीडियम कंडीशन में ही चल रहा है, तो ये न्यूट्रल हो गया है। और अगर हम बुक रेशो देखें कंपनी का, वो ब्लो है क्या इंडस्ट्री मीडियम के अकॉर्डिंग, तो अगर हम इसको देखें तो ये भी गाइस एक न्यूट्रल ही है। यानी एनालिसिस से पता चला कि भाई बुक रेशो भी कंपनी का ना ही बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, एक न्यूट्रल पोजीशन पे ही है। वहीं बात करते हैं पैज रेशो कंपनी का, वो हाई है क्या इंडस्ट्री से, तो इसका जो जवाब है गाइस वो बिल्कुल सही है, यानी कि यस ऐसा हो पा रहा है, एक सही पॉजिटिव साइन जा रहा है। वहीं बात करते हैं जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी के TTM के, वो क्या ब्लो हैं इंडस्ट्री मीडियम के अकॉर्डिंग, तो इसका जो जवाब है गाइस वो नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ।
आगे बात करते हैं रेवेन्यू जो ग्रोथ है TTM की, वो ब्लो है क्या इंडस्ट्री मीडियम के अकॉर्डिंग? तो जो इसका आंसर है गाइज वो भी नो है। और वहीं बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन TTM का, वो नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ का है सालाना। तो अगर इसका अगर हम जवाब निकालते हैं तो इसका जवाब निकल के आता है बिल्कुल ऐसा कंपनी कर पा रही है। तो इंडस्ट्री कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो न्यूट्रल हैं ये भी साइन एक तरह से पॉजिटिव की तरफ ही इशारा करते हैं, बिकॉज कंपनी न्यूट्रल कंडीशन दिखा रही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई पॉजिटिव तो नहीं है बट हाँ नेगेटिव भी नहीं है, तो एक न्यूट्रल कंडीशन है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्री कंपैरिजन्स है कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। वहीं बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तरफ, और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप इधर साफ साफ देख सकते हैं। पहला वही है प्रमोटर हैं जो इस कंपनी के, उन्होंने क्या इस कंपनी के शेयर को गिरवी रखा हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो अनचेंज्ड है, यानी कि जितना भी परसेंट इन्होंने रखा हुआ है गिरवी वो 12.72% है और वो अभी भी उतना ही है। और ये दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग है, तो कह सकते हैं कि भाई एक हम इसको नेगेटिव साइन की तरफ। आगे हम चलिए बात करते हैं प्रमोटर्स हैव डिक्रीज होल्डिंग, क्या प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं? अगर हम इसको देखें तो पहले 52.22% थे, अभी 52.18% हो गए। हाँ कुछ परसेंट डिक्रीज हुए, तो भाई कुछ भी परसेंट हो पर नेगेटिव साइन ज़रूर है। वहीं बात करते हैं FII और FPI क्या इंक्रीज़ हुए हैं इस कंपनी के, पहले 0.02% थे, अभी 0.62% हो गए हैं, और ये दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंग है। तो कुछ भी सही बट ये पॉजिटिव है। वहीं बात करते हैं FII और FPI जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, पहले 204 थे, अभी 223 हो गए हैं दिसंबर 2021 के डेटा के अनुसार। तो हम इसको गाइज एक पॉजिटिव की तरफ लेंगे। और वहीं बात करते हैं जो इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, पहले 3.24% थे, अभी 3.86% हो गए हैं। तो इसको भी गाइज हम एक पॉजिटिव की तरफ लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो शेयर होल्डिंग्स है वो भी एक पॉजिटिव साइन दर दिखाती है। तो गाइज़ अगर हम टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो हमें जो बात समझ में आती है कंपनी की वो यही है कि आप इधर स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इधर कंपनी दिखा पा रही है। और इसी एनालिसिस को लेकर मैं अगर बात करूँ तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि अभी कंपनी के अंदर एक बाइंग सिग्नल की तरफ इशारा किया जा रहा है। बाकी आपकी राय अलग भी हो सकती है क्योंकि ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, तो फिर इसमें कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। बट हाँ ओवरऑल जो मुझे पर्सनली लगा है कैल्टन को लेकर एक बाइंग सिग्नल की तरफ ही लगा है। आपकी क्या राय है इस कंपनी को लेकर जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन या सिर्फ ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।